श्वेता रात को पुलिस थाने से घर आती है। उसका पति अविनाश हॉल में उसी का इंतजार कर रहा था। थकी हुई श्वेता अपने जूते बाहर रखती है और अंदर आकर पानी पीती है। घर में आज सन्नाटा है। श्वेता की नजरें लव और लावण्या को ढूंढ रही हैं, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अविनाश एकदम आग बबूला होकर गुस्से से श्वेता को देख रहा है। वो तंज कसते हुए श्वेता से कहता है, आ गई महारानी जी, तुम कहती तो तुम्हें लाने के लिए अम्बेसडर गाड़ी ही भेज देता, खुद आने की तकलीफ क्यों की। तब श्वेता शांति से कहती है, देखो मैं बहुत थक गई हूँ, मैं फिर से बहस शुरू नहीं करना चाहती। अविनाश छल्ला कर कहता है, अरे हमसे क्यों बहस करोगी तुम, बाहर इतने सारे पुलिस वाले हैं, लोग हैं, उनसे बहस करने में तो तुम्हें बहुत मजा आता होगा। श्वेता गुस्से को काबू में रखते हुए कहती है, देखिए मुझे खाना खाकर सो जाना है, हम कल बात करते हैं। अविनाश कहता है, हाँ तुम आराम से खाना खाकर सो जाना, लेकिन अंदर बच्चा भूखा है, रो रहा है, उससे तुम्हें क्या लेना देना। रात के 10:30 बज रहे हैं, ये भी कोई समय होता है घर आने का। श्वेता गंभीर आवाज में कहती है, ऑफिस में बहुत काम था, पूछताछ के लिए इधर उधर घूमना भी होता है, इसलिए देर हो गई। अविनाश ने कहा, तुम किस किस के साथ घूमती हो, उस कुंवारे इंस्पेक्टर आदित्य के साथ घूमती हो, उसकी ना शादी हुई है ना कुछ, तुम दो बच्चों की माँ हो, तुम्हें ऐसे घूमते हुए शर्म आनी चाहिए। श्वेता का गुस्सा अब लिमिट के बाहर जा रहा था। उसने गुस्से में कहा, आप भी दो बच्चों के बाप हैं और आप मुझे शर्म ना सिखाए तो ही बेहतर है। बिजनेस ट्रिप के नाम पर अपनी असिस्टेंट नव्या के साथ थाईलैंड घूमकर आए थे ना, मुझे सब पता है, दो बच्चों का बाप आखिर इतना बेशरम कैसे हो सकता है। श्वेता की ये बात अविनाश को तमाचे की तरह लगती है। अविनाश चिल्लाकर कहता है, अरे मैं तो खाली थाईलैंड जाके आया था, तुम्हारी तरह किसी पराए मर्द के साथ पूरे गली मोहल्ले में नहीं घूमता हूँ। श्वेता गुस्से में कहती है, आदित्य कोई पराया व्यक्ति नहीं है, वो मेरा एक अच्छा दोस्त है और मैं उसके साथ इसलिए घूमती हूँ क्योंकि उस पेशे में इधर से उधर जाना ही पड़ता है। ये तुम्हारे थाईलैंड की तरह नहीं है कि झूठ बोलकर यहाँ से चले जाओ और मौज करके वापस आओ। अविनाश झल्लाकर कहता है, देखो अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। श्वेता ग्लास फेंक कर कहती है, आज तक आपने किया ही क्या है, घर परिवार तो संभाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अधिकार जमाया है। दोनों का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। अविनाश और श्वेता के चिल्लाने से अंदर सोया हुआ लव हॉल में आता है और रोने लगता है। लव के रोने से अविनाश और श्वेता का झगड़ा शांत हो जाता है। दोनों लव की तरफ देखते हैं। लव कहता है, मम्मा रात के 11 बज गए हैं लेकिन लावण्या दीदी अब तक नहीं आई है। श्वेता घबरा कर कहती है, क्या लावण्या अभी तक नहीं आई, उसका कॉलेज और ट्यूशन तो 6 बजे ही खत्म हो जाता है ना। श्वेता लावण्या को तुरंत कॉल करती है लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। श्वेता डर जाती है, वो सोचती है कि लावण्या किसी बुरे संकट में तो नहीं फंस गई होगी। श्वेता को लावण्या का ऑपर्चुनिस्टिक दोस्त ऋतिक का भी ख्याल आता है। वो तुरंत लावण्या की कॉलेज टीचर मिस डिसूजा को कॉल करती है। डिसूजा कहती है, आपकी बेटी 2 दिनों से कॉलेज नहीं आई है, आजकल उसका ध्यान ना पढ़ाई में है और ना प्रैक्टिकल में है, यूनिट टेस्ट में भी उसके मार्क्स बहुत पुअर आए हैं। मैं ये बात आपको मिलकर बताने ही वाली थी लेकिन लगता है अब देर हो गई है। डिसूजा की बात सुनकर श्वेता ने फोन रखा। अविनाश अपनी बेटी पर गुस्सा करते हुए श्वेता पर चिल्लाने लगा, तुम्हारी वजह से लावण्या बिगड़ गई है, तुम्हारा ध्यान घर पर होता ही नहीं, बेटी कहाँ जाती है, पढ़ाई करती है या नहीं, ये सब कौन देखेगा। श्वेता अविनाश को कहती है, तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि बच्चों को कैसे पालना है। श्वेता लावण्या की सबसे अच्छी दोस्त आरुषि को कॉल करती है। तब आरुषि ने कहा, लावण्या आज ना ही कॉलेज और ना ही ट्यूशन आई थी। आंटी लावण्या आजकल अलग ही बिहेव कर रही है, उसने पिछले 4 दिनों से मुझसे ठीक से बात तक नहीं की है। आरुषि की बात सुनकर श्वेता को अब पक्का यकीन हो गया था कि लावण्या किसी न किसी चक्कर में जरूर फंस गई है। श्वेता मदद के लिए आदित्य को कॉल करती है। हेलो आदित्य, लावण्या अभी तक घर नहीं आई है, उसका फोन भी स्विच ऑफ है, मैंने उसकी कॉलेज टीचर उसके दोस्तों को भी कॉल की लेकिन किसी को मालूम नहीं है वो कहाँ है, प्लीज मेरी मदद करो। श्वेता की घबराई हुई आवाज को सुनकर आदित्य कहता है, तुम बिल्कुल शांत और निश्चिंत हो जाओ श्वेता, लावण्या को कुछ नहीं होगा, अगर ये किसी की साजिश हुई
तो वो इस बार बच नहीं पाएगा। मैं लावण्या के मोबाइल का आखिरी लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहता हूँ, तुम फौरन लावण्या का एक फोटो मुझे भेज दो। श्वेता तुरंत लावण्या का फोटो भेजती है। आदित्य हवलदार देसाई को बुलाकर लावण्या के मोबाइल का आखिरी लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहता है। वो तुरंत सभी पुलिस चौकियों में हाई अलर्ट जारी करता है। वो सभी पुलिस थानों में लावण्या की फोटो भेजता है और नाकाबंदी करके शहर के बाहर जाने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी लेना शुरू करता है। इधर श्वेता का पति अविनाश गुस्से में कहता है, तुमने आदित्य को क्यों कॉल किया? दूसरे पुलिस वाले भी इस शहर में हैं, हम उनकी मदद भी ले सकते हैं। श्वेता गुस्से में कहती है, आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है, मैं आपकी भाषणबाजी सुनना नहीं चाहती। आप चल सकते हैं तो मेरे साथ स्टेशन चलिए। अविनाश श्वेता और लव को लेकर फौरन पुलिस स्टेशन की तरफ निकलता है। पुलिस थाने में उसी वक्त आदित्य को फिजिक्स के प्रोफेसर आशुतोष प्रसाद का कॉल आता है। हेलो सर, मैंने कुछ देर पहले पल्लवी को एक एम्बुलेंस में बैठते हुए देखा है। वो किसी यंग लड़की को गाड़ी में खींच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की को बेहोश किया गया हो। आदित्य ने कहा, आपने गाड़ी का नंबर नोट किया क्या? आशुतोष ने कहा, नहीं सर, गाड़ी का नंबर मैं नोट नहीं कर पाया, लेकिन वो एम्बुलेंस सिटी हॉस्पिटल के रास्ते जा रही थी। आदित्य ने आशुतोष को जानकारी देने के लिए शुक्रिया कहकर फोन रखा। तभी हवलदार देसाई चिल्लाते हुए उसके पास आया। सर, लावण्या का लोकेशन ट्रेस हो गया है। उसका सिम आखिरी बार पल्लवी के घर के करीब लोकेटेड था। आदित्य समझ गया कि लावण्या के अगवा होने के पीछे जरूर पल्लवी का ही हाथ है। उसने तुरंत वॉकी टॉकी पर सभी पुलिस थानों को रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा, किडनैपर लावण्या को किसी एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं। शहर में जितने भी एम्बुलेंस है उन सबकी तलाशी लो। किसी पर भी शक हो उसे फौरन गिरफ्तार कर लेना। एक भी एम्बुलेंस छूटनी नहीं चाहिए। आदित्य ने श्वेता को एम्बुलेंस के बारे में तुरंत खबर कर दी और वो हवलदार देसाई पांडे और तिवारी के साथ फौरन सिटी हॉस्पिटल के हाईवे पर निकल गया। रात के 12 बज रहे थे। सड़कें धीरे धीरे खाली हो रही थी। शहर में चारों तरफ पुलिस की गाड़ियों का सायरन बज रहा था। आदित्य सिटी हॉस्पिटल के 2 किलोमीटर दूर शहर के हाईवे पर नाकाबंदी कर रहा था। तभी अचानक हवलदार पांडे को सामने से एक सफेद गाड़ी आते हुए दिखाई देती है। वो चिल्लाता है, आदित्य सर, एक एम्बुलेंस आ रही है। ये सुनते ही सभी पुलिस वाले अपनी अपनी बंदूकें लेकर गाड़ी की तरफ भागते हैं। आदित्य तेज रफ्तार से आने वाली एम्बुलेंस को देखता है और रास्ते की खुली जगह पर बैरिकेड लगाने भागता है। पांडे और तिवारी बंदूक लेके एम्बुलेंस को रोकने के लिए सबसे आगे आते हैं, लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एम्बुलेंस में बैठे गुंडों के पास किस तरह के घातक हथियार थे। एम्बुलेंस में से दो लोग खिड़की में से अपनी अपनी शॉटगन लेके बाहर मुंह निकालते हैं और पांडे और तिवारी को गोलियों से भून देते हैं। पांडे और तिवारी किसी गेंद की तरह जमीन पर गिरते हैं। हवलदार देसाई तुरंत जमीन पर गिरे दोस्तों के पास भागता है। वो क्या करे और क्या नहीं करे उसे कुछ समझ में नहीं आता। इधर एम्बुलेंस में बैठे गुंडे बैरिकेड तोड़कर सीधे दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर निकल जाते हैं। आदित्य हवलदार देसाई पर चिल्लाता है, ये रोने का समय नहीं है देसाई, तुरंत एम्बुलेंस को बुलाओ। पांडे और तिवारी को सिटी हॉस्पिटल ले जाओ, वो किसी भी हाल में बचने चाहिए। मैं तब तक उस एम्बुलेंस का पीछा करता हूँ। आदित्य जीप में बैठकर एम्बुलेंस का पीछा करता है। उसके दिमाग में एक साथ कई युद्ध चल रहे होते हैं। उसे तिवारी और पांडे की चिंता सता रही थी, वहीं श्वेता की बेटी को कुछ ना हो जाए उसकी भी फिक्र थी। एम्बुलेंस का ड्राइवर बहुत ही शातिर और स्किल्ड था। वो एम्बुलेंस का सायरन बजाते हुए आदित्य से 2 गुना स्पीड से गाड़ी को भगा रहा था। आदित्य ने तुरंत चंडीगढ़ पुलिस को इन्फॉर्म किया कि वो हाईवे पर सतर्क रहे। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर आने वाली सभी पुलिस चौकियों पर नाकाबंदी लगवाए। आदित्य अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है। अचानक उसकी नजरों के सामने से एम्बुलेंस गायब हो जाती है। वो दाईं ओर देखता है तो किडनैपर ने हाईवे से लेफ्ट लेते हुए गाड़ी को जंगल में घुसा दिया था। आदित्य भी तुरंत गाड़ी को जंगल में मोड़ देता है। एम्बुलेंस अब उसके कुछ ही दूर थी। वो बड़ी जोर से गुस्से में चिल्लाता है, कितना भागोगे सालों, अभी भी वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो वरना पूरी मौत मरोगे। मेरे 2 सिपाहियों पर गोली चलाई है तुमने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रात के घने अंधेरे में गाड़ी के सामने की लाइट्स जल रही हैं। पेड़ों के बीच से आदित्य गुंडों का पीछा कर रहा है। एम्बुलेंस सांप जैसे इधर उधर भाग रही है। आदित्य जेब में से बंदूक निकालता है और अपने जीवन का सारा अनुभव झोंक कर
एम्बुलेंस के पिछले टायर पर निशाना लगाता है। बंदूक से बुलेट छूटती है और सीधे एम्बुलेंस के पिछले टायर में घुसकर गाड़ी को पंक्चर करती है। एम्बुलेंस सामने वाले पेड़ पर जाकर टकराती है। आदित्य फौरन जीप में से उतरकर एम्बुलेंस की तरफ भागता है। एम्बुलेंस में से एक गुंडा हाथ में शॉट गन लिए हीरे से बाहर निकल रहा होता है। आदित्य उसे तुरंत गोली मारता है। अभी एक और गुंडा गाड़ी में छिपकर बैठा था। आदित्य सोचता है, अगर मैं इस पर सीधी गोलियां चलाऊंगा तो अंदर लावण्या को भी बुलेट लगने का खतरा है। वो एम्बुलेंस में छिपे गुंडे को आवाज देता है, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। यदि अपने आप को बचाना चाहते हो तो खुद को पुलिस के हवाले कर दो। मैं जानता हूँ इस किडनैपिंग के पीछे का मास्टरमाइंड तुम नहीं कोई और है, और मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता। इससे चुपचाप बाहर आ जाओ। आदित्य धीरे से एम्बुलेंस की खिड़की के पास जाकर अंदर झांक कर देखता है। तब दूसरा गुंडा अचानक आदित्य पर फायरिंग करता है। आदित्य के बाएं हाथ पर एक बुलेट लगती है और उसके हाथों से ब्लीडिंग होने लगती है। आदित्य हिम्मत करके एम्बुलेंस का सामने का दरवाजा खोलता है। अंदर बैठा किडनैपर लावण्या के सिर पर गन पॉइंट करके खड़ा रहता है। आदित्य कुछ रिएक्ट करे इससे पहले वो किडनैपर आदित्य से कहता है कि जरा भी चालाकी की तो लड़की का भेजा उड़ा दूंगा। आदित्य वहीं दंग खड़ा रह जाता है। क्या आदित्य अपनी जान पर खेलकर लावण्या को बचा पाएगा? जब श्वेता को पल्लवी की हकीकत पता चल जाएगी तब वो क्या करेगी? क्या पल्लवी का पर्दाफाश हो पाएगा? जानने के लिए सुने ये कहानी।